अभी हम लोग जान रहे हैं कि इंडिया के साथ साथ पूरा वर्ल्ड कोविड-19 के वजह से सफ़र कर रहा है, जिससे कि हम लोगों को अपने डे टू डे वर्क्स में प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके लिए मैंने एक लाइव क्लास अरेंज किया है आप लोगों के लिए, जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे अपने क्लास 12th के चैप्टर 4 यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। ये जो चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसमें जो पहला पॉइंट है वो है आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा आपको बताना चाहेंगे पॉपुलेशन के बारे में और थोड़ा बताना चाहेंगे एक्सप्लोजन के बारे में। पॉपुलेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। यानी कि जितने भी इंडिविजुअल है, जैसे हम लोग ह्यूमन है, हमारा एक पॉपुलेशन है। कोई जानवर है जैसे डॉग है, उसका एक अलग पॉपुलेशन। कैट है, उसका एक अलग पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। ठीक उसके कॉन्ट्रारी अगर हम एक्सप्लोजन वर्ड को देखेंगे तो इसका मतलब होता है सडन और रैपिड आउटब्रस्ट, मतलब अचानक से किसी चीज में वृद्धि आ जाना। ठीक है, तो ये आप समझ गए पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है और एक्सप्लोजन का मतलब क्या होता है। अब हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन करेंगे। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन किया जाता है सडन और रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन और इंडिविजुअल इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। याद रखिएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को डिफाइन करने के लिए इन दो फैक्टर्स को अपने आंसर में ऐड करना जरूरी है। अगर आप इन दो फैक्टर को ऐड नहीं करते तो आपका आंसर अप्रोप्रिएट नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर इसको 2 मार्क्स का डेफिनेशन है ये, तो अगर आप ये दोनों पॉइंट नहीं लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज, क्योंकि एक्सप्लोजन कभी भी सीधा सा ये वर्ड बता रहा है, एक्सप्लोजन अचानक होता है। ठीक है, ये सडन चीज़ है, सडन फेनोमेना है। ठीक है, तो जब यहाँ पर क्या हो रहा है, सडन और रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन और इंडिविजुअल। किसी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज कैसे होता है? किसी भी पॉपुलेशन में इंक्रीज होता है 2 फैक्टर्स के कारण। ठीक है, बर्थ और डेथ। ये अभी सुनने में अटपटा लग रहा है कि इंक्रीज होता है, तो चलिए बर्थ से तो आपको डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि अगर बर्थ हो रहा है तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन डेथ को हम कैसे इंक्रीज में ऐड कर रहे हैं? ठीक है, डेथ को हम कैसे इंक्रीज में ऐड कर रहे हैं ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, आगे चल करके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन ये दोनों टर्म इंटर रिलेटेड है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को बिना इस दोनों टर्म को टच में लाए एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अब इसको हम सिंबल दे देते हैं बी और इसको सिंबल दे देते हैं डी। आप भी इन सिंबल्स को नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे कि क्या कारण है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, यानी कि व्हाट आर द कॉज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसका सबसे बड़ा कॉज होता है
लैक ऑफ एजुकेशन, जिसको आप इलिटरेसी भी कह सकते हैं, ठीक है, या आप इलिटरेसी वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जिन लोगों को पता नहीं है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोड करने से, यानी कि नंबर ऑफ पीपल के बढ़ जाने से हमारे अर्थ पर, हमारे एनवायरनमेंट पर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है, वो लोग नहीं समझेंगे कि पॉपुलेशन का क्या वैल्यू है, उसको कितने लिमिट में रखना है। तो ये एजुकेशन बहुत ज़रूरी है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। दूसरा, इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी। भाई ये इम्पोर्टेंट है, एक्चुअल में ये बेसिक दो ही कारण है, लेकिन इस पॉइंट को ब्रेक करके आप चार पांच कारण बना सकते हो, ठीक है। कहता है कि अगर मेडिकल फैसिलिटी सुधर रही है, पहले समय में क्या होता था कि मेडिकल फैसिलिटी सही नहीं थी, लोग मरते ज़्यादा थे, ठीक। अभी क्या है, मेडिकल फैसिलिटी सुधर गई है, लोग जन्म भी ज़्यादा लेते हैं, यानी कि बर्थ ये भी ज़्यादा हो रहा है, और डेथ क्या हो गया है, ये डेथ कम हो गया है, यानी कि डिक्रीज हो गया है, ठीक है। यानी कि बर्थ ज़्यादा हो गया है और डेथ कम हो गया, क्योंकि पहले समय में क्या होता था, अगर हम लोग अपने पुराने समय में चले जाएं 1920-21 के आसपास में, यानी कि हमारे भी पुराने कुछ लोग होंगे, तो आप नोटिस करते होंगे कि उस समय उनके पास 9 बच्चे 10 बच्चे हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि लोगों में ये खतरा होता था कि उसमें कितना बच्चा बचेगा, कितना बच्चा मरेगा। तो ये जो दोनों के बीच में रिलेशन था, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर लोग बच्चे ज़्यादा पैदा करते थे, क्योंकि उन बच्चों के मरने की संभावना ज़्यादा होती थी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन है, जो कि मैंने पहले भी बताया कि पॉपुलेशन का इंक्रीज बर्थ और डेथ दोनों से डिपेंड, दोनों पर डिपेंड करता है, दोनों फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो इम्प्रूवमेंट इन मेडिकल फैसिलिटी की वजह से क्या हो रहा है कि बर्थ ज़्यादा हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है बर्थ ज़्यादा हो रहा है तो पॉपुलेशन में लगातार क्या होगा, ऐड होगा, ठीक है। डेथ कम हो रहा है, लोग मर भी कम रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है कि पॉपुलेशन एक इक्विलिब्रियम डिमांड करता है, और अगर लोग कम मर रहे हैं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये पॉपुलेशन से कोई भी चीज़ घटेगा नहीं, ये जो है एज इट इज रह जा रहा है। लगातार लोग बढ़ रहे हैं और मर भी नहीं रहे, क्योंकि पॉपुलेशन में लोग एज इट इज रह रहे हैं, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी आपकी इम्प्रूव कर गई है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसको आपको डिस्कस करना है, समझना है, देखना है। याद रखिएगा, लैक ऑफ एजुकेशन, अगर आपके पास जानकारी की कमी है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि पॉपुलेशन बढ़ाने से, अधिक पॉपुलेशन रखने से आपके एनवायरनमेंट पर, आपके खुद के ऊपर उसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जितनी बड़ी फैमिली होती है उसका मेंटेनेंस उतना ही हाई चला जाता है, एज अ रिजल्ट आप गरीब हो जाते हो। दूसरा, मेडिकल फैसिलिटी इम्प्रूव हो जाने के कारण बर्थ रेट लगातार बढ़ता चला जा रहा है, बच्चे जन्म ले रहे हैं, और डेथ रेट जो है वो घटता चला जा रहा है, ठीक है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा। यानी कि इन शॉर्ट आपको क्या समझ में आया कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है वो किस केस में होता है, व्हेन बर्थ रेट यानी कि बी इज ग्रेटर देन डी, और यू कैन से डी इज लेस देन बी। ये जो ऐसा पॉइंट है जो आपको एकदम साफ साफ दिखाई देगा, अगर लोगों का जन्म अधिक होगा और लोग मरेंगे कम, या लोग मरेंगे कम जन्म उनका ज्यादा होगा, उस केस में क्या होगा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। तो ये था आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सिंपल एज सिंपल। ये जो टॉपिक है ये सिर्फ डेफिनेशन वाला टॉपिक है, इसमें आपको डेफिनेशन जानना है और थ्योरेटिकली इसको डिस्कस करना है, जो हम लोग अपने क्लासरूम आवर्स में करेंगे। अब हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर लेकर के नेक्स्ट दिन आएंगे, जिसमें हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।